महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग के चौथे जिले परभणी में हम पहुंचे हैं। परभणी के बारे में एक कहावत है कि दुनिया में जर्मनी और भारत में परभणी। ऐसा क्यों कहा जाता है यह हमें अब तक पता नहीं, लेकिन परभणी मराठवाड़े का ऐसा विभाग है और इसकी सच्चाई ये है कि ये विकास से कोसों दूर है। कई सालों से यहाँ कोई नया रोजगार नहीं आया, कोई नई फैक्ट्री नहीं आई, फिर भी लोग यहाँ की जो जनता है एक ही पार्टी को लगातार विधानसभा हो या फिर लोकसभा में यहाँ पर विजय करती आई है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के सांसद यहाँ से जीते थे। अब यहाँ पर बात करते यहाँ के लोगों से कि क्या है उनकी मांगे, कैसा चल रहा है परभणी का विकास और आगे जाकर ये क्या करने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार परभणी के बारे में ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद खान बढ़ान। अच्छा खान साहब, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाता हूँ। ये ऐसी कहावत क्यों है कि दुनिया में जर्मनी और भारत में परभणी? इसलिए सर, क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं होता है। जगह जर्मनी भारत परभणी, जगह जर्मनी भारत परभणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं होता है। और हर कोई जो भी पैसेंजर आता है वो पहले परभणी को नाम रखता है और उसके बाद ऑटो में बैठता है। अच्छा, मतलब इतने खड़े हमने देखा कि रास्ते खराब है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है, क्या वजह है? अभी फिलहाल तो प्रशासक लागू है 2.5 साल से, और जो आयुक्त मैडम आए थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और आमदार राहुल पाटिल साहब जो चुनकर आए हैं, मंडू बॉस भी चुनकर आए हैं, और उनको वो चुन के आने के बाद सत्ता ऊपर उनकी नहीं है, जिसकी वजह से उनको फंड नहीं मिल रहे हैं। और उनको फंड मिलेंगे तो हमको भरोसा है आमदार साहब भी और मंडू बॉस भी रोड बनाएंगे इस बार इंशाल्लाह। लेकिन 35 साल से एक ही पार्टी के लोग यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, फिर भी विकास नहीं हुआ, ऐसा कैसे? 2.5 साल तो बीच में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी ना? थी, बराबर थी। उससे पहले भी 5 साल सरकार थी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ, फिर भी 7.5 साल क्या किया फिर? सरकार थी, हम मानते हैं, जब हमने वोट नहीं दिया था ना शिवसेना को, लेकिन इस बार कांग्रेस और शिवसेना की युति थी इसलिए हमने वोट दिया है। और इंशाल्लाह इस बार काम करेंगे बंडू बॉस, हमको उम्मीद है, क्योंकि अब तक काम नहीं होता आया था। और इसके पहले जैसे कि आपने बताया कि 25 साल से विकास नहीं हुआ है, तो 25 साल पहले लोग कहते थे खान पाइजे का बान पाइजे, अब खान ने ही बान को चुन कर लाया है तो अब जरूर विकास होगा। मतलब यह जो छत्रपति संभाजी नगर में जो कहते थे खान चाहिए बान चाहिए, वो यहाँ भी था क्या? हाँ, यहाँ पर 25 साल से रिकॉर्ड है खान पाइजे का बान पाइजे, लेकिन इस बार उल्टा था, खान ने ही बान को चुन कर दिया है और बान इस बार काम करेगा, क्योंकि बान नहीं है, मशाल है इस बार, तो जरूर करेंगे बंडू बॉस, हमको विश्वास है। और उन्होंने वादा भी किया है कि मैं मुसलमान वोटिंग से चुनकर आया हूँ और इस बार मैं काम जरूर करूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अब्दुल गनी। अच्छा अब्दुल भाई, बताइए जब रिक्शा चलाते हो तब ऊपर नीचे होते होंगे? बहुत तकलीफ हो रही, पूरा जैटा ढिल्ले हो जा रहे हो। हाँ। रोड़ा खराब हो गया परभणी के, सभी खाली है, मेन रोड है बराबर खाली, वो भी खराब है, वो भी मतलब उसमें भी हुए खड्डे। लेकिन फिर आप बोलते नहीं है सांसद से? बोलेंगे भाई, हम कोई सुनने वाला हमारा रिक्शे वालों का, ऑटो वाले कौन सुनता क्या? अरे ऑटो वाला तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री है। हाँ है भाई, लेकिन इधर नहीं सुनते ना कोई, इधर नहीं सुनता ना परभणी में। परभणी ठाकरे की मेहरबानी है, वो मंत्री है तो बाला साहब ठाकरे थे, उन्होंने उनको ऊपर लाया और अब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, अब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन विकास कुछ नहीं हो रहा है। फंड आ रहा है लेकिन कागज पे फंड आ रहा है और फंड खा जा रहे चोर। अच्छा, आपको क्या लगता है उद्धव जी के साथ गलत हुआ क्या, पार्टी तोड़ी गई शरद पवार जी के साथ, क्या लगता है आपको? हाँ गलत ही है ना, इतने दिन से रहे अलग अलग एक जगह और बाद में तोड़ दिए। ये जो लाडली बहन योजना आई है पता है ना आपको? हाँ आई है, लेकिन अभी वो बंद नहीं बोल रहे, वो फॉर्म भरने का बंद है क्या? नेट में क्या रहता हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल जगतकर। राहुल जगतकर। जगतकर। अच्छा राहुल भाई, बताइए विधायक भी राहुल नाम के है, तो क्या विकास हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ परभणी का, पूरे रास्ते खड्डे है सब, कम्बर दुखती है, पैसेंजर बैठा पेशेंट तो बोलता है दम से चलो, गाड़ी का मेंटेनेंस निकलता है, परभणी का कौन सा ही रास्ता देख लो, कौन से कोने में जाओ वही एक तरीके का रास्ता मिल जाएगा। किसकी सरकार बना रहे हो विधानसभा में? वो तो आप वोट तो देते हो ना आप? हाँ वोट तो देते, वोट तो उद्धव ठाकरे साहब की बनना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे थे मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर फंड भी होता है ना राज्य सरकार का, तो कोरोना काल आया था ना, कोरोना काल में कुछ जमाने ना वो
एक डेढ़ साल तो कोरोना में चले गया वो। अच्छा काम किया क्या कोरोना काल में? हाँ अच्छा होगा ना। अच्छा काम किया। हाँ और भी कुछ लोग है, क्या नाम है भाई आपका? असीउद्दीन। अच्छा ये जो महाराष्ट्र में अब चुनाव होने वाला है, किसकी सरकार बन रही है, क्या लगता है आपको? सरकार किसी की बने भाई, हमको सिर्फ विकास चाहिए। सरकार किसी की बने, हमको जो तकलीफ है यहाँ रोडों पे, ऐसा कौन सा ही रोड नहीं है, ऐसा खड्डे नहीं है, उसमें जो पैसेंजर हमारे ऑटो में बैठते हैं उसमें डिलीवरी पेशेंट है, ये है, तो इमरजेंसी में कोई हम उनको सर्विस नहीं दे पाते कि अगर कोई में इमरजेंसी में कोई डिलीवरी पेशेंट आ गया तो हमको उतना फास्ट चलाने की इतना रोड है ही नहीं कि अगर कोई पेशेंट को ले गया तो गए तक तो मर जाता वहाँ पे। तो वही हमारे को जो दिन भर जो तकलीफ होती, खड्डे है, ये है, ऐसा कोई रोड नहीं बचा जिसपे खड्डे नहीं है परभनी के अंदर में, ऐसा कौन सा ही रोड नहीं, एक रोड बता दो आप जो सही में, मेन रोड जो है वो पूरे खराब रोड है यहाँ पे। अच्छा बताओ सरकार किसकी आ रही है विधानसभा में? सरकार तो उद्धव ठाकरे की आएंगी ना। उद्धव ठाकरे की? हाँ कुछ विकास होगा फिर, परभनी का अभी तक तो कुछ विकास हुआ नहीं पर आगे होगा। लेकिन यार मैंने देखा कि 2014 से 2019 देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, शिवसेना भी उस सत्ता में थी, फिर अगले ढाई साल भी उद्धव जी सरकार में थे, परभनी को मंत्री क्यों नहीं बनाया किसी को? क्यों? अब वो उतना तो हमको मालूम नहीं है। हाँ। नहीं लगता कि मंत्री बनते तो यहाँ पर विकास होता था? नहीं ये साल बनेंगे, राहुल पाटिल साहब बने तो विकास होगा, कुछ मेडिकल कॉलेज आ गया अभी, मेडिकल कॉलेज आने के बाद रास्ते भी बन जाएंगे, फिर रास्ते बनने के बाद फिर देश भी तरक्की करेगा। नहीं कोई MIDC बड़ी नहीं आ रही है, कोई बड़ा उद्योग नहीं आ रहा है, सब ऑटो ही चला रहे हैं यहाँ पे, पढ़ा लिखा मैं कुछ ग्रेजुएशन कम्प्लीट हूँ ऑटो चला रहा हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे पास, क्या करूँ, MIDC नहीं है, कुछ है ही नहीं, और कुछ कॉलेज वगैरह में जाए तो फीस ज्यादा है, कुछ कर भी नहीं सकते हम। तो देखा आपने ये दिल का दर्द है, ये भाई साहब यहाँ पर ग्रेजुएट है, कोई रोजगार नहीं है, फिर भी मजबूरी में यहाँ पर ऑटो चलाने का काम ये यहाँ पर कर रहे हैं, दिल की बात उन्होंने यहाँ पर रखी है। तो चलते हैं कुछ और जगह और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार परभनी शहर में विकास होगा या नहीं होगा या हो चुका है। मराठवाड़ा के परभनी के स्टेशन रोड पर हम मौजूद हैं, सुबह का समय है, देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह का समय है, एक ग्रुप बैठा है यहाँ पर चाय पर चर्चा करने के लिए, शायद ये रोजाना यहाँ पर मिलते हैं, इनसे जरा बात कर लेते, इनसे पूछ लेते हैं कि आपके ग्रुप का कुछ नाम है या रोजाना आप मिलते हैं? सनराइजर्स ग्रुप है। सनराइजर ग्रुप क्या करता है सनराइजर ग्रुप आपका? सनराइजर्स ग्रुप बोले तो सुबह का हमारा बैडमिंटन का रहता, कुछ लोग वॉकिंग को जाते, कुछ लोग जिम को जाते, कुछ लोग बैडमिंटन करते। अच्छा सब क्षेत्र के लोग हैं हमारे इसमें, वकील है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, मेडिसिन के इसमें के है, सब हिसाब से लोग आए। हमने तो सुना था आते समय कहावत सुनी थी कि दुनिया में जर्मनी और भारत में परभनी, तो हमें लगा कि यहाँ बहुत सारा विकास होगा। वही ना, फिर दुनिया में लोग जिस तरह से जर्मनी की तरफ देखते हैं एक प्रोग्रेसिव बोल के, तो वही हिसाब से सबसे निचली लेवल का कौन सा होगा तो वो परभनी, वो हिसाब से जगह जर्मनी और भारत परभनी ऐसा होगा है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। हमें लगा आप ऐसा कहने की बारी आई है। अच्छा ऐसी बारी आई है, हमें लगा कि ऐसा होता है क्या? पहले तो जो चीज जर्मनी में होती थी वो हिसाब से क्वालिटी परभनी में है, ऐसा हम सब सोचते थे और वैसा होता था, लेकिन अब परिस्थिति उलट है। महाराष्ट्र के ऊपर करीब करीब 8 लाख करोड़ का कर्जा है, लाडली बहन योजना आ रही है, लाडला भाई योजना आ रही है, पैसे की पूरी बातें सामने आ रही है, ये देंगे वो देंगे, कल कोई कह रहा है कि हमारा बटन दबाओ तो ही योजना शुरू रहेगी, कितना सही है ये? नहीं ये सब बांट के वोट के लिए बांट रहे बस, बाकी क्या है सब। हाँ ये तो दिख रहा है ना, अभी इलेक्शन आ रहा है तब सबको पेमेंट देना है, बाद में लेना है सबसे। आपको क्या लगता है ये लाडली बहन लाडला भाई ये सब योजनाएं शुरू हो चुकी है? रवि राणा कहते हैं कि अगर वोट नहीं पड़ा तो 1500 रुपए में वापस ले लूंगा, इस प्रकार की भाषा कर रहे हैं। ये जो अभी फिलहाल योजना चालू है जब तक सबको मिल जाती नहीं जब तक कुछ कह नहीं सकते, सबके लिए अच्छी योजना है लेकिन जब तक ये कितने दिन चलेगी ये देख पाए। क्या होगा मराठवाड़ा में, 46 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लेगी? नहीं इतना बता नहीं सकते लेकिन कम रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, परफॉर्मेंस कम रहेगा। क्या वजह क्या जानते हैं? वजह ये अभी विकास का है, आरक्षण का है, विकास भी ऐसा कुछ नहीं है जितना है तो कुछ नहीं है, इसीलिए फर्क गिरता है। जो अभी
बोले तो सत्ता में है क्या, सत्ता में वाले को फर्क गिरता ही है। हाँ हाँ। अच्छा, ओरिजिनल शिवसेना किसकी क्या लगता है आपको? ठाकरे साहब की है। हाँ, शिंदे साहब ने जो किया वो सही किया गलत किया क्या, विस्तार से बताइए। का बात नहीं, अभी उनका सोच है वो, अभी मालूम नहीं है वो, सच गलत अपन बोल नहीं सकते अभी। लेकिन ठाकरे की पहले से शिवसेना सबको मालूम है बोल के। लेकिन परभणी में क्या है, मराठवाड़े में क्या है, क्या चल रहा है? हम तो बीड़ गए थे, हर कोई जो मिलता है वो कहते जरांगे पाटिल बोलेंगे वही आखिरी दिशा है। परभणी और इधर तो शिवसेना का ही बोल वाला है अभी। हाँ, तो आगे चल के वही आ सकता है। अच्छा, हमें बताइए कि सबसे अच्छा नेता आपको कौन सा लगता है, कौन नेता सबसे अच्छा है महाराष्ट्र का, आपको आपकी पसंद का? तो महाराष्ट्र का अभी क्या, अजित पवार जी है। अजित पवार जी तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं, सीट आएंगे तो। ऊपर का हम क्या बताएंगे यहाँ पे। ये अजित पवार बस लेके निकले है जन सम्मान यात्रा, उधर उन्होंने अपने बस पे है ना मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया है, माझी लाड़की बहन सिर्फ, मेरी लाडली बहन। हाँ, ऐसा क्यों है? वो तो उनका प्रचार करने का कोई तरीका होगा। आप क्या करते हैं, यूथ हो आप, क्या करते हैं? मैं डेंटिस्ट हूँ। डेंटिस्ट है, क्या उम्र है आपकी? 34। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि क्या होने वाला है मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में क्या नजरिया है आपका? प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं पॉलिटिकल ओरिएंटेड ज्यादा नहीं सोचता हूँ, लोकल ओरिएंटेड अगर सोचे तो फिर विकास ओरिएंटेड कुछ काम नहीं हो रहा है परभणी में, वो होना चाहिए चाहे कोई भी चुन के आए, हमें खाली मतलब है कि काम होना चाहिए अच्छे से। चलो हम पॉलिटिकल बात नहीं करते, लेकिन 7 से 8 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है आपके सर पर, भी 65,000 रुपए का कर्ज है, ऐसे में कर्ज निकालकर योजना घोषित करना कितना सही है? योजना घोषित करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, उससे बेहतर रहता कि कोई और ज्यादा जॉब्स क्रिएशन करते तो ज्यादा बेहतर रहता था, क्योंकि फुकट के पैसे कितने भी बांटोगे तो वो कम ही गिरने वाले हैं लोगों को, चाहे आप 100 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो महीने का, हर एक को कम ही गिरने वाला है वो, उससे अच्छा अगर जॉब्स क्रिएशन करोगे तो उससे ज्यादा और ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज। थोड़ा यहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ के बातें करते हैं इनसे। आपको अहमद शाह अब्दाली पता है? Yes. पता है ना। अब ये भाषण में नेता लोग कह रहे कि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, कितना सही है? कोई कह रहा औरंगजेब फैन क्लब के अध्यक्ष, ये कितना सही है? जिसकी सोच जो सोचता है वो उस तरह से वो बातें करता है। अब्दाली कौन है, उनकी हिस्ट्री अलग है समझो, और ये जो कंपैरिजन है वो समझो गलत है, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। पिछले 5 साल में किसने अच्छा काम किया है? 2.5 साल उद्धव की सरकार थी, 2.5 साल शिंदे जी की सरकार थी, क्या लगता है किसने अच्छा काम किया? काम किसने नहीं किया ना सर, आप सब देख रहे हैं समझो, 2.5 साल किसने में गए सब, काम किसने किया है सर। लेकिन शिंदे जी कह रहे हैं कि समृद्धि हाईवे बना है, अटल सेतु बना है। नहीं, वो तो कब से चला रहा है सर, इनके राज में तो नहीं हुआ ना वो, इन्होंने क्या करे सर। यूज कितने लोगों को होता है, कितने परसेंट लोगों को होता है? 10% यूज समृद्धि महामार्ग को लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमन पब्लिक है वो 80% है, 20% लोग जाते होंगे वो रोड से, पर 80% पब्लिक का क्या है? अच्छा, उसके लिए क्या किया किसने? तो मेरे ख्याल से मैं पिछले 30 साल से अभी परभणी में हूँ, तो जैसे रोड है 30 साल से वही देख रहा हूँ, वही रोड है जैसे कि वैसे। परभणी सर पहले से ही पीछे है, अभी बाईपास का काम भी जो है ये साल चालू हो गया सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं बाईपास परभणी में यहाँ से जाने वाला है, वहाँ से जाने वाला है, लेकिन अब हमारे एंड में बाईपास का काम चालू हो गया, जो कि काम 30 साल पहले होना चाहिए था बाईपास का। MIDC नहीं है, सेक्टर नहीं है, कोई भी नहीं, नया कुछ कारखाना वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। देखिए महाराष्ट्र का सब, मराठवाड़े में अगर हम बात करें ना, तो सबसे पिछड़ा इलाका ये हिंगोली और परभणी का है, और नांदेड़ में इसमें कुछ हिस्सा आता है, क्योंकि इन इलाकों में कोई नई फैक्ट्री नहीं है, कोई नई योजना नहीं है, और कोई विकास यहाँ पर नहीं, विकास से कोसों दूर ये इलाका है, फिर भी यहाँ से हमेशा एक ही पार्टी की व्यक्ति यानी सांसद हो या फिर विधायक हो वहाँ जीतता है। आगे चलते हैं, कुछ भाई साहब वहाँ भी बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिजीत धानोरकर है। धानोरकर, अच्छा धानोरकर साहब, कब विकास होगा परभणी का? और परभणी तो बहुत पीछे है, और इस बार क्या होगा विधानसभा में, क्या लगता है आपको? नहीं, विकास जो है वो राज की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। विकास मतलब विकास करो विकास करो, तो ऐसा कोई विकास नहीं करता है। उस इंसान में जो लोक प्रतिनिधि होता है उसमें राज की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं मेरे क्षेत्र को, मेरे जो क्षेत्र है उसको आगे लेकर चलूं। अब दिक्कत यह है कि मराठवाड़ा में विकास करने के लिए कुछ मूलभूत
समस्या है, जैसे कि पानी की समस्या है। मराठवाड़ा में पानी की काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि मराठवाड़ा ये डाउनवर्ड आता है महाराष्ट्र में, तो मराठवाड़ा में जो पानी आता है वो ऊपर से आता है, मतलब नगर नासिक डिस्ट्रिक्ट से आता है। तो पानी जो जायकवाड़ी का डैम है उस पर हमारा ये सारा क्षेत्र निर्भर है। सबसे ज़्यादा कमांड हमारे ज़िले का है, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है हमारे ज़िले की, पर पानी जो है अगर ऊपर से नहीं आया तो हमारे ज़िले का सारा जो फाइनेंशियल टर्न ओवर है वो बंद हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि परभणी ज़िले में जायकवाड़ी का कमांड 97,000 हेक्टेयर है, तो उसको अगर पानी नहीं आया तो हमारे यहाँ का सारी खेती व्यवस्थाएँ, सारे लोगों के पैसे ठप हो जाते हैं। तो हमारी मूलभूत जो समस्या है वो यह है सबसे पहले कि हमें रेगुलर पानी मिलना चाहिए हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए। अगर ये समस्या दूर हो जाएगी तो विकास अपने आप यहाँ बढ़ने लगेगा। पानी अहम मुद्दा है, पानी सबसे अहम है। पानी अगर मराठवाड़ा में काफ़ी आ जाए तो विकास की गति अपने आप चल पड़ेगी। आपका नाम क्या है? संजय पहाड़े। अच्छा संजय जी, बताइए कि पिछली बार तो विधानसभा में उद्धव ठाकरे जी ने 4 में से 2 सीटें जीती थी, हाँ, तो इस बार क्या लगता है 4 की 4 विधानसभा की सीटें आएंगी? 4 की 4 आ जाएंगी सर। हाँ, तो उद्धव ठाकरे जी का और उनके विधायकों का काम यह बहुत अच्छा है क्या? अच्छा काम है, लेकिन वो दिख नहीं रहा सड़क में। सड़क नहीं बन रही है, बाकी काम अच्छा है उनका सब पूरा। आपका क्या शुभ नाम है? संग्राम गायकवाड़। गायकवाड़ जी, क्या लगता है जरांगे फैक्टर परभणी में कितना असरदार है? असरदार तो हुआ है, हुआ है, और असरदार होगा? विधानसभा में तो बोल नहीं सकते, लेकिन लोकसभा में तो हुआ है। लोकसभा में हुआ है। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, किसने किया है? अभी तो काम ओपनली दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब खिचड़ी सरकार हो गई है, तो कोई पक्ष का नाम लेने का सवाल ही नहीं आ रहा है। जो शिवसेना के साथ हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ, पार्टी तोड़ी गई, क्या ये सही हुआ या गलत था? राजकारण में सब कुछ ये चलता ही रहता है, कोई पार्टी किसी के साथ लॉन्ग टर्म रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं, ये कई सालों से चल रहा है। तो देखा आपने, चलिए और जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं परभणी के बारे में। परभणी के और एक जगह पर हम पहुंचे हैं और यहाँ पर भी एक ग्रुप है, यहाँ पर स्प्राउट्स खा रहे हैं, सुबह सुबह का नाश्ता चल रहा है। क्या है आपके ग्रुप का नाम? क्या है? बैडमिंटन, ऐसा ग्रुप। हाँ, ग्रुप का नाम है हमारे। का नाम है, कितने मेंबर है? हमारे लगभग 20 मेंबर है। हर रोज आते हैं सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक हम बैडमिंटन रोज खेलते हैं। बहुत सुंदर बैडमिंटन कोर्ट है, वुडन कोर्ट है। रास्ते क्यों अच्छे नहीं है? रास्ते भी अच्छे हैं, लेकिन अभी कैसा है, बारिश की वजह से बहुत बारिश आके गई इसलिए, और अभी क्या हो रहा है, बहुत से बाईपास नहीं हुआ है अभी तक, तो इसलिए 30-40 साल से सुन रहे बाईपास। हाँ, नहीं नहीं होगा ना, जरूर होगा, इसलिए चालू है अभी। अभी राजकारणी लोग है बहुत, तो अभी होगा, अभी होगा, जल्द होगा, जल्दी होगा। अच्छा, यहाँ पर बैठकर बात करते, आइए, यहाँ पर स्प्राउट्स खा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? शिव कुमार सर। शिव कुमार, क्या करते हैं आप शिव कुमार जी? कोचिंग क्लासेस है मेरे। कोचिंग क्लास अच्छी है, तो आपके बच्चों का पढ़ाने का अच्छा काम करते हैं। हाँ। तो आप मुझे बताइए शिव कुमार जी, ये लाडली बहन जो योजना आई है, कर्जा लेकर ये योजना चलाई जा रही है, आपके सर पर भी 65,000 रुपये का कर्ज है, राज्य सरकार की माने तो, ये कर्ज निकल कर ये योजना लाना, क्या कहेंगे आप इसको? कैसा है, अब कौन सा भी गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रहा है लोगों को अच्छा होना इसलिए कर रहा है, और वो अच्छा है, गरीब लोगों को 4 पैसे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ उनके काम को आएंगे। अभी शरद पवार साहब कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण चाहिए तो 50% की सीमा को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके लिए सेंट्रल में जाना पड़ेगा, क्या सही है ये? इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज। अच्छा, क्या है? सही बात है। हाँ। ये जो 50% के ऊपर का जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। 50% के ऊपर यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया तो वो न्यायालय में नहीं टिकेगा, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। राज ठाकरे जो कह रहे हैं कि मराठा को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मतलब आरक्षण मिले तो आर्थिक निकषों पर मिले, क्या कहेंगे? वो तो पहले से ही राज ठाकरे ने, विलासराव देशमुख के भी ये सोच थी पहले कि आर्थिक निकष पे ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही आज की आगे की सब ये होना चाहिए, क्योंकि अब जाति नहीं आए तो अब कुछ कुछ उनको भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया है छोटी जाति वालों का भी, फिर उनको भी मिलने की कुछ गरज नहीं ना। ये जो योजनाएं आ रही है राज्य सरकार ला रही है चुनाव को देखते हुए, कितनी सही है?
नहीं, मेरे ख्याल से ये जो योजना ला रहे हैं ये महाराष्ट्र के ऊपर और कर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से ला रहे हैं। हम अभी जब तक महाराष्ट्र को सदम करना है, किसान हो चाहे उद्योग धंधे जो कुछ हो, महाराष्ट्र सदन करने के लिए उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और रोजगार निर्मित चाहिए। मतलब महाराष्ट्र कब अपने पैरों पर खड़ा होगा, जब खुद का कुछ ना कुछ उसको तैयार करना पड़ेगा। अभी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब गुजरात को भाग रहे हैं। मतलब ये गुजरात को सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं भाग रहे, इसके साथ में जाने वाली इम्प्लॉयमेंट भी भाग रही है। ये हमको समझना चाहिए। मेरे ख्याल से जो ये 1500 लाड की बहन जो योजना है, इसके बाद में लाड का बहू भी योजना लाएंगे, तो सबको ही बांटेंगे तो महाराष्ट्र पे कर्जा कितना बढ़ जाएगा। मैं योजना के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको उनके पैर पे खड़ा करने के लिए रोजगार उनको दो, जिस रोजगार से वो अपना जो परिवार है वो अच्छी तरीके से चला सकते हैं। क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार सरकार बदलेगी? नहीं, यहाँ पक्का सरकार बदलेगी। महाविकास आघाड़ी जो अभी आएगी, इसके बाद में जो महायुति की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से इनका सब चल रहा है, हर एक पक्ष में जितना फोड़ रहे हैं, हर मतलब जिनका स्प्लिट जितना चालू है, कौन सा भी नेता कहीं से भी चुन के आनो उसको वो पार्टी से निकाल के अपने तरफ लेना, इस तरीके से अगर चलेगा तो पॉलिटिक्स का जो इथिक्स है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। क्या लगता है अगली सरकार किसकी होगी? महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी में सीएम कौन बनेगा? जिसका सबसे ज्यादा सीट आएगा वही बनेगा। अभी उनको ही पक्का पता है तो हम क्या अपनी राय दें उसके ऊपर। पवार साहब का जादू इस बार भी बहुत ज्यादा चलेगा। पवार साहब तो जादूगर है ही पहले से, पर पवार साहब अगर जादूगर होते सही में और पहले से कुछ करते तो महाराष्ट्र की दिशा और कहीं और होती। मतलब आपको कहना है कि जैसे बारामती डेवलप है वैसे परभणी भी चाहिए? नहीं देखो, बारामती उनका घर है और इंसान ने अपने घर से पहचान बनाना है सबसे जरूरी है। हमारा दुर्लभ है कि हमें अभी तक ऐसा कोई शरद पवार जैसा नेता नहीं मिला जिसने हमारे परभणी को आज तक विकास की दिशा दिखाई है। इसलिए उन्होंने उनका बारामती उनका पश्चिम महाराष्ट्र डेवलप किया, ये अच्छी बात है, पर उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस कार्यकाल में उन्होंने पूरा महाराष्ट्र भी उस हिसाब से दिशा में ले जा सकते थे। ये बड़ी बात कह दी इन्होंने कि बारामती जिस प्रकार से डेवलप है, ऐसा बारामती का ऐसा नेता यहाँ पर उन्हें मिला नहीं है और ये कहीं ना कहीं ये उन्हें दिल में खटक रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील देशमुख। देशमुख साहब क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है पेट्रोल पंप है और राजनीति में हूँ। कौन सी पार्टी में? कांग्रेस। अच्छा, फिर मुख्यमंत्री तो आपका ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा, कांग्रेस का ही बनेगा। वैसे महाविकास आघाड़ी बने के बाद में जिसके ज़्यादा आएंगे उसका सीएम बनेगा, वैसे वो टाइप का पॉलिसी ऊपर तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस का अगर सीएम बनता है तो सबको साथ में लेके हर समाज को लेके चलने की कांग्रेस की कैपेसिटी है, तो कांग्रेस का ही सीएम बनेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखा आपने, कई लोगों ने कई बातें कही है और भी कुछ लोग यहाँ पर नए आए हैं, नए लोग जुड़े हैं, जरा इनसे भी बातें कर लेते। एक छत के नीचे बहुत सारे लोग आज हमें मिल गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत शिंदे। विश्वजीत जी, क्या करते हैं आप? मैं अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में यंग प्रोफेशनल की पोस्ट पे हूँ। अच्छा, स्कीम में। क्या लगता है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में क्या होगा? मराठवाड़ा में तो जरंगे फैक्टर चलेगा इस बार। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, विधानसभा में भी चलेगा। अच्छा जी, और विधानसभा में जरंगे पाटिल क्या उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्या करेंगे? अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर करते भी है तो भी अच्छा है, नहीं करते है तो जो लोकसभा में हुआ वो तो नहीं है। थैंक यू सर। कौन सी चाय पी रहे हैं, गुड़ वाली है शक्कर वाली है? गुड़ वाली चाय। गुड़ वाली चाय है। अच्छा, रोज मिलते हैं आप यहाँ पर? यस, खेलने के बाद हम लोग यहीं पर आते हैं चाय पीने के लिए। अच्छा, तो हमें बताइए कि चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं, कुछ राजनीति के बारे में आप रुचि रखते हैं? हाँ रखते हैं ना, जरूरी है, राजनीति में रुचि तो हर एक को रखना जरूरी है। किस पार्टी की सरकार बना रहे हैं? इस बार महाविकास आघाड़ी हो सकता है, उनकी सरकार बने महाराष्ट्र में। क्यों, महायुति ने अच्छा काम नहीं किया क्या? महायुति की सरकारी ऐसी गठजोड़ से बनी थी कि वो कैलकुलेशन शायद ही लोगों को पसंद आए, इसीलिए बदल यानी चेंज होने जा रहा है। चेंज होने जा रहा है। यस, मतलब जो पार्टियां तोड़ी गई, शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, वो सही नहीं है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं था। इस बारे में सेंट्रल में इसके अगेंस्ट में कुछ कायदा होना बहुत जरूरी है। ये पार्टियां तोड़ी जाती है, फिर से जो मेन होते हैं उनको अलग रखा जाता है और जो उनसे बागी होते हैं उनके पास पार्टी का पूरा पावर चला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके कितने आमदार उनके साथ या खासदार उनके साथ में। तो ये एक गलत तरीके से बनाएगी सरकार, हम लोग ऐसा मानते हैं इसको। तो गलत तरीके से सरकार बनाई, इसको लेकर नाराजगी है।
और भी चलिए यहाँ पर कुछ एक दो लोग यहाँ भी है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर संजय जोगड़। अच्छा, आप डॉक्टर है पेशे से। तो डॉक्टर साहब बताइए, इस बार महाराष्ट्र की स्थिति कैसी रहेगी सेहत? महाराष्ट्र की स्थिति जो है वो हर महीने और हर 15 दिन को बदलने वाली है, ठीक है। दोनों गठबंधन जो मेजर गठबंधन है, महायुति और महाआघाड़ी, ये अपनी जोर आजमाइश में लग गए हैं। ये जो दूसरे फैक्टर, जैसे कि एक वंचित फैक्टर है, जैसे कि जरांगे फैक्टर है, और जैसे कि तुम्हारा MIM का फैक्टर है, ये छोटे भी हुए तो मराठवाड़ा के लोकसभा में उन्होंने बता दिया कि जरांगे फैक्टर यहाँ कितना काम किया। ध्रुव पोलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण अगर नहीं हुआ तो यहाँ बहुत अच्छे चांसेस है, जो सत्ताधारी जो है अभी वो वापिस सत्ता में आने के अच्छे चांसेस है। जरांगे पाटिल किसको मदद करेंगे? जरांगे पाटिल एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, मतलब सरकार विरोधी है। मतलब महायुति की बजाएंगे? सरकार यहाँ बजाएंगे, सरकार की, सरकार की बजाएंगे, और क्या कर सकते। मतलब आपके कहने से कि अगला सरकार जो आ सकती है वो महाविकास की हो सकती है? महाविकास की भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर जरांगे फैक्टर पूरा चला, ये वंचित वगैरह सब उनके फेवर में चले तो महाविकास की भी आ सकती है। नहीं, वंचित तो फैक्टर अभी लहा नहीं, लोकसभा में हमने देखा वंचित अलग रहा है, वंचित के पास डिपॉजिट भी सभी जगह जब्त हुए, एक जगह छोड़कर देखते हैं। MIM भी महाराष्ट्र में नहीं है। अब पहले एक बात समझिए, लोकसभा और विधानसभा, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ 5,000 और 2,000 मत से फर्क पड़ जाता है, और लोग वहाँ देते हैं वोट, 20-30% लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं वो वहाँ देते हैं जो जीत रहा है। वंचित का कोई ऐसा जीतने का हमको दिखा ही नहीं, लेकिन छोटे गांव में, छोटे कस्बों में, या जब विधानसभा जब आएगा कि जहाँ प्ले बिटवीन एक 10,000-5,000 पे ऐसा प्ले जब रहेगा, तो वहाँ अगर अंदर से भी कुछ गाड़ी घूम गई, वो बोलते हैं हमारे अम्बेडकर जो बोलेंगे वो देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। वो फैक्टर कितना काम करता है उस पर आप लोकसभा से नहीं ये कर सकते। अच्छा, मुझे बताइए CM का कौन होना चाहिए? महायुति की अगर सरकार आती है, महाविकास की सरकार आती है, समझो महाविकास की सरकार आप कह रहे हैं जरांगे पाटिल की फैक्टर से आ गई, तो क्या लगता है कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री चेहरा? महाविकास की आती है तो जिसके ज्यादा सीट्स लाए हैं, अगर उद्धव सर ज्यादा लाते हैं तो उनका होना चाहिए मुख्यमंत्री, उन्होंने होना चाहिए मुख्यमंत्री। और तुम्हारा ये अगर शरद पवार के ज्यादा आते हैं तो शरद पवार, जो भी डिसेंट लोग हैं उनके पास भी, जयंत पाटिल है वैसे लोग हैं उनके पास, सुप्रिया सकते हैं। सुप्रिया सुले अभी सेंट्रल राजकारण में है, उन्होंने नहीं बनाना चाहिए उनको। महाराष्ट्र को अब तक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली ना, वो तो फिर वो टाइमली डिसीजन रहेगा, टाइमली डिसीजन रहेगा। सर आपका नाम क्या है? रमेश मुंदड़ा। मुंदड़ा, अच्छा मुंदड़ा जी क्या करते हैं आप? हमारा इलेक्ट्रिकल की दुकान है। अच्छा मुंदड़ा जी, क्या कहेंगे मराठवाड़ा की पॉलिटिक्स को लेकर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर? महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स अभी सब मिक्स ही हो गया है, अभी पहले जैसा ये नहीं रहा। मतलब ये तुम्हारा रिजर्वेशन के मुद्दे की वजह से सबका ही नुकसान हुआ है, उसमें नुकसान हुआ है। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगे आप? सरकार भी मिली जुली बनेंगी, अभी एक किसी की भी मेजोरिटी नहीं आएंगी अभी एक की, तो मिली जुली मतलब किसकी? मतलब महाविकास महायुति अभी जो चल रही है वही आएंगी वापस महायुति, लगता है आपको? जरांगे फैक्टर तो कह रहे हैं कि, जरांगे कह रहे हैं कि 29 तारीख को बताऊंगा मैं क्या है सबको, उसकी वजह से वोट फूटने की वजह से सबका ही नुकसान हो रहा ना। फिर पिछली बार मराठवाड़ा में 14 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इस बार क्या है नुकसान हुआ ही है ना भारतीय जनता पार्टी को, विधानसभा में भी होगा। तो ये थी मराठवाड़ा की जनता, इनसे हमने बात की। ये परभनी के लोग हैं, ज्यादातर अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि राज्य में अब शायद सरकार बदल सकती है और महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पर आ सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता यहाँ पर कह रही है। लेकिन इन जनता के मन में एक बात ये भी है कि मराठवाड़े का परभनी जिला विकास से कोसों दूर है, यहाँ के नेताओं की मानसिकता नहीं है विकास की। अगर यहाँ का विकास हो जाए तो सबसे बेहतर ये परभनी शहर हो सकता है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 परभनी।